हाय गाइस आई एम गोल्डी वेलकम टू माय चैनल सो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डॉट की 5% परसेंट ए टोनर नाउ आई विल कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट इस वीडियो में हम तीन की पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे फर्स्ट द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड क्लेम्स सेकेंड प्रोज एंड कॉन्स एंड थर्ड द वर्डिक्ट कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं सो इफ़ यू आर इंटरेस्ट इन द सेम देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो इफ़ यू हैविन सब्सक्राइब टू माई चैनल येट एंड यू रियली वॉन्ट मी टू हेल्प And you want me to grow and you want me to make more such videos for you, then please subscribe to my channel and hit the bell button. And uh, yeah, it would mean a lot. So, now without any further ado, let's get started. सो लेस टॉक अबाउट द प्रोडक्ट सो दिस इज़ द प्रोडक्ट यू कै रिसीव जो एम आर पी है इस प्रोडक्ट का दैट इज सेवन नाइन्टी फाइव रुपीज़ फॉर वन ट्वेंटी एम एल क्वान्टिटी तो प्राइस रेंज की बात करें सो दिस इज़ ऑन क्वाइट एक्सपेंसिव साइड बिकॉज यूजली जो टोनर्स का प्राइस रेंज होता है दैट इज़ टू हंड्रेड टू फोर हंड्रेड इन बिटवी और पैकेजिंग काफ़ी नीट एंड क्लीन है इस पर इन्ग्रीडियंट लिस्ट मैंशन नहीं है इफ़ यू वॉन्ट टू नो द इन्ग्रीडियंट यू हैव टू चेक ऑन द डॉट इन की वेबसाइट इस पर सिंपली मैंशन है दैट डॉटन की स्किन के फाइव परसेंट ए एच ए टोनर स्किन क्लैरिफाइंग लिक्विड एक्सफोलियंट सो दैट सेट ऑल्सो द सोर्सेस वेयर दे हैव एक्सट्रैक्टेड द ए एच लाइक वाइट विलो एंड फ्लार दैट सेट इट कम्स विद अ स्प्रे पम्प ओके विच इज क्वाइट अनोइंग बिकॉज इट वेस्ट सो मच प्रोडक्ट तो क्लेम्स की अगर बात करें जो फर्स्ट क्लेम है दैट इज इट्स एन एल्कोहल फ्री ग्लाइकोलिक एसिड टोनर कम फेस मिस्ट सो इट सर्व्स एज ग्लाइकोलिक एसिड टोनर ये इफेक्टिव है लेकिन आप इसको फेस मिस्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते रीज़न बीइंग हम फेस मिस्ट क्यों यूज़ करते हैं uh, क्योंकि हमें इंस्टेंट हाइड्रेशन शॉर्ट चाहिए होता है वी वांट टू रिफ्रेश आर स्किन तो उस केस में दिस वर्व द पर्पज बिकॉज ए इट कंटेन्स ग्लाइकोलिक एसिड ए एच एज जो हमारी स्किन को फोटो सेंसिटिव बनाते हैं uh, यानी कि अगर आप दिन में ये टोनर यूज करते हो तो यू हैव टू हैव अप्लाई सनस्क्रीन आफ्टरवर्ड्स अदरवाइज़ इट विल मेक योर स्किन सेंसिटिव टू वॉश द सन आपकी स्किन डैमेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे सनलाइट में सो दिस इज़ द रीज़न वन की वाई यू कॉन्ट यूज़ इट एन एज फेस मिस्ट सेकेंड ये ना मतलब आपकी स्किन को हाइड्रेट तो करता है लेकिन आपकी स्किन थोड़ी तो स्टिकी कर देता है सो इट डजन लीव यू नो अ नाइस फीलिंग सो दैट इज द अगेन द इशू इट डजन रिफ्रेश आर स्किन एंड थर्ड इट कंटेन्स परफ्यूम लाइक इट्स नॉट अ टोनर इट्स अ परफ्यूम इट स्मेल सो 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 स्ट्रॉन्ग कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो लिटरली दिस इज़ नॉट मेंट फॉर सेंसिटिव स्किन वाले ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज इट विल डेफिनेटली इरिटेट देअर स्किन सो येस, एज अ ग्लाइकोलिक एसिड लाइक एज अ ग्लाइकोलिक एसिड ओनर इट्स गुड बट नॉट एज फेस मिस्ट. सो द सेकेंड क्लेम इज दैट इट इम्प्रूवज द टेक्च ऑफ आर स्किन बाय मेकिंग इट फील एंड लुक स्मूदर सो so, मैंने इस टोनर को वन एंड हाफ मंथ तक यूज़ किया है और मुझे अपने स्किन के टेक्सचर में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला लाइक द टेक्सचर ऑफ माई स्किन वॉज क्वाइट कॉन्स्टेंट ये टोनर यूज़ करने से पहले भी और इस टोनर का यूज़ बंद करने के बाद भी सो द थर्ड क्लेम दैट इज़ मोर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इट्स एन एक्सफोलिएटिंग टोनर मेड विद नेचुरल फ्रूट एसिड्स डराइव फ्राम ग्रेप्स इन एन मोर सो एज एन एक्सफोलिएटिंग टोनर इट हैज़ वर्कड ऑन माई स्किन मेरी स्किन पर जो भी ब्लैक हैड या वाइट हैड की प्रॉब्लम थी स्पेशली अराउंड माई नोज वो इस टोनर को यूज़ करने से सही हुई लाइक आई पर माई स्किन परस डाउट और uh, जो भी मेरे पोर्स में प्रॉब्लम थी लाइक द वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स वो सब सरफेस पे आ गए थे एंड आई वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट देम सो यस इट हैज एक्सफोलिएटेड माय पोर्स माय स्किन क्वाइट वेल सो द क्लेम फोर इज दैट इट सिंग्स इनटू आवर आर स्किन टू रिफाइंड पोर्स एंड मेक आर स्किन लुक टाइटर एंड हेल्दियर सो नो दिस इज़ नॉट द केस ऑबियसली इट हैज रिफाइंड माई पोर्स बाय क्लीनिंग इट बाय एक्सफोलिएटिंग इट बट जो मेरी स्किन है वो मेरे को ऐसे एकदम ऐसे वो टाइट और हेल्दी नहीं लगी लाइक माई स्किन वॉज नॉर्मल लाइक जैसे पहले थी वैसे देर वॉज नो विजिबल चेंज नाउ द क्लेम नंबर फाइव दैट इट्स मेड विद क्यूरेटेड इन्ग्रीडियंट्स टू गिव यूर सूदिंग रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस सो नो इट डजेंट गिव द सुदिंग एंड रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस इट गिवस द टिंगलिंग सेंसेशन एंड आफ्टर दैट इट्स जस्ट लाइक It gives the sticky feel like you have something sticky. You feel heavy, like your skin will feel heavy. So, it's not a relaxing or soothing experience at all. So, these were the claims. Now, let's talk about the pros and cons of this toner. So, one and only pro hai is a toner ka that it comes with 5% AHA glycolic and lactic acid. और ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं नो डाउट अबाउट इट आपकी स्किन में जो भी ब्लैक एंड एंड वाइट हेड्स हैं वो स्किन सरफेस पे आ जाते हैं एंड यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट देम नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन ऑफ दिस प्रोडक्ट नाउ जो कॉन है सबसे बड़ा इस प्रोडक्ट का दैट इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ये एक परफ्यूम की तरह भी आप यूज़ में ले सकते हो जोक्स अपार्ट बट इट हैज़ अ लाइक क्वाइट स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस की जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो लोग तो बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट विल डेफिनेटली इरीटेट देअर स्किन मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े हैं इस टोनर के ऊपर सेंसिटिव स्किन वालों के दैट दे हैव फेल्ट द इरिटेशन ऑन द स्किन आफ्टर यूजिंग दिस टोनर नाउ आई हैव शेयर्ड वन प्रो एंड वन कॉन सो बहुत ही बैलेंस्ड है सिचुएशन नाउ द फाइनल वर्डिक्ट एज पर माय एक्सपीरियंस वुड आई रेकमेंड दिस टोनर टू एवरी वन आई वुड से नो बिकॉज जो प्राइस रेंज में ये टोनर आता है दैट इज सेवन नाइन्टी फाइव रुपीज़ इस रेंज में आपको बहुत दूसरे भी अच्छे अच्छे टोनर्स मिल जाएंगे इनफैक्ट इससे कम प्राइस में मिल जाएंगे अगर आपको एक्सफोलियंट्स चाहिए तो यू कैन फाइंड बेटर एक्सफोलियंट्स इन दिस प्राइस रेंज अगर आपको डिस्काउंट में ये ये प्रोडक्ट मिल जाता है दैन यू कैन टोटली गो फॉर इट बट डोंट बाई इट फॉर लाइक ऑन द एम आर पी Because it's quite expensive, and you will find better alternatives on that price range for exfoliants only. So, yes, this was my verdict. If you have sensitive skin, don't buy this product. If you hate fragrance, don't buy this product. If you're looking for some strong exfoliator, uh, like exfoliating product in your skincare, then again, don't buy this product. But if you're just starting out with exfoliants, you want exfoliant toner only, or you just want to start with low concentrations, then you can go for this product. Would I repurchase this product? No, I won't because uh, for me, it's just a bottle of perfume. And uh, yeah, I have a better exfoliants in my skincare vanity. So, yeah, with this, this is a wrap for today's video. I hope that you review this review I tried to keep it very uh, short and to the point. Uh bata comments so with this I would like to sign off for today. You guys will see me in my next video. Till then, take care. Bye. Love and peace. Also, don't forget to like this video and Comment down below if you have any queries. If you want to ask anything, then ask Goldie.